नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा शहर में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। यहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई की जा रही थी। जब जमीन की खुदाई की जा रही थी तो खटखट की आवाज़ आई। इस आवाज़ में अधिकारी समेत वहाँ कई लोग हैरान रह गए। खुदाई के दौरान शेषाई विष्णु की एक विशाल मूर्ति मिली है। नागपुर क्षेत्र के अधीक्षण पुरातत्वविद अरुण मलिक ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह मूर्ति 2.25 मीटर की गहराई में मिली है। जब विशेषज्ञों के एक दल ने लखुची यादव राव की छतरी के संरक्षण कार्य के दौरान कुछ पत्थर को देखा और फिर और खुदाई करने के बाद मंदिर की नींव तक पहुँचे। मलिक ने बताया कि सभा मंडप मिलने के बाद हमने और खुदाई करने का फैसला किया और इस दौरान हमें देवी लक्ष्मी की एक मूर्ति मिली है। बाद में इसमें से शेष साई विष्णु की विशाल मूर्ति मिली। यह 1.70 मीटर लंबी और ऊंची है। मूर्ति के आधार की चौड़ाई संभवतः 30 सेंटीमीटर है। उन्होंने कहा कि यह क्लोराइड सिस्ट चट्टान से बनी है। ऐसी मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई गई थी। इसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए और देवी लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। इस मूर्ति में समुद्र मंथन को दर्शाया गया है और इससे निकले अश्व और एरावत की नक्काशी भी पैनल पर देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि मूर्ति की विशेषता दशावतार, समुद्र मंथन और भगवान विष्णु को दर्शाती हुई बारीक नक्काशी है। मूर्ति विशेषज्ञ शैली प्लाड़े दातार ने बताया कि इसमें इस्तेमाल पत्थर सीस्ट चट्टान है, जो स्थानीय रूप से पाए जाने वाले बेसाल्ट चट्टान के मुकाबले नरम होता है। उन्होंने बताया कि ऐसी मूर्तियां पहले मराठवाड़ा में पाई जाती थी, लेकिन ये बेसाल्ट चट्टान से बनी होती थी। इस पैनल पर शेषनाग और समुद्र मंथन के बीच की मूर्ति भी प्रमुखता से उकेरी गई है, जो इसकी विशेषता है। भविष्य में जब महाराष्ट्र में एक कला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा तो यह मूर्ति उसकी विशेष कलाकृतियों में से एक होगी। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।